हेलो एवरीवन, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम से पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो हिंदी के टफ वर्ड्स हैं उसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डैश के रूप में कार्य करती है। तो ये पूछ रहा है कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अर्थ वर्क्स लाइक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अचालक या इंसुलेटर। ठीक है, तो यदि फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के परिसर में होती है तब पृथ्वी जो है वो बोथ कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, मतलब चालक और अचालक दोनों की तरह। लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तब पृथ्वी लगभग इंसुलेटर या अचालक की तरह व्यवहार करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो छोरों को फ्यूज करना। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो छोरों को फ्यूज किया जाता है और इसमें दो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ करके उन्हें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्प्लाइसिंग का एक मेथड जो किया गया है, तारों को जोड़ दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो स्विच के रूप में, सही बात है, प्रवर्धक के रूप में, सही बात है। प्रवर्धक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रवर्धक को कहते हैं एम्पलीफायर। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। तो किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग एक स्विच और एक प्रवर्धक या एम्पलीफायर के रूप में भी किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवर्धक या एम्पलीफायर जो कि नॉर्मली घरों के टीवी और रेडियो में आप आसानी से मिल सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, तो ट्रांजिस्टर का बेस क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, लाइटली डोप्ड। तो किसी ट्रांजिस्टर का बेस होता है लाइटली डोप्ड, यह ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है या प्रधान भाग होता है। ठीक है, और इसका आकार क्या होता है? इसका आकार होता है 10^-6 मीटर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए में से किस शब्द का संक्षिप्त नाम रडार है? तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, तो रडार का यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट की स्थिति और उस जो वस्तु होती है उसकी स्थिति, उसके दूरी और उसके वेग का पता करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेज़र के उपयोग से त्रियामी तस्वीर खींचने की विधि कहलाती है। तो त्रियामी तस्वीर मतलब 3D इमेज, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बी, होलोग्राफी। तो लेज़र के उपयोग से त्रियामी तस्वीर खींचने की जो मेथड होता है उसे हम होलोग्राफी कहते हैं। और ये होता क्या है? तो होलोग्राफी में त्रियामी तस्वीर खींचते हैं कैसे? लेज़र जो होता है लेज़र बीम के तहत। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से जो लेज़र बीम होता है उसे थ्रो किया जाता है और इस तकनीक में मनुष्य या किसी वस्तु से निकलने वाली रोशनी या प्रकाश को त्रियामी कैमरों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड किए गए वीडियो फिल्म को 3D प्रोजेक्टर द्वारा जब प्ले किया जाता है तो वह ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे रिकॉर्डिंग करते समय किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, एसी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज अथवा इसके विपरीत परिवर्तित करने की युक्ति साधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ट्रांसफार्मर। तो एसी उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज अथवा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। यह उपकरण DC धारा पर कार्य नहीं करता और ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियों के फेरों की संख्या ये ज़्यादा या कम कर देने से उसके उच्चायक या अपचायक ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, ये आप ट्रांसफार्मर का इमेज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील व सही होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डिजिटल। तो जो मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो मुख्यतः विद्युत की 3 विशेषताएं मापने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसका यूज जो बिंदुओं के बीच की धारा का सतत प्रवाह मापने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद मल्टीमीटर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर और फ्लूक मल्टीमीटर।
तो जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सही मापता है, क्योंकि इसमें हम एलईडी डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है, इसमें मापने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होता है। तो जो एन किस्म का जो अर्धचालक होता है, इसमें क्या अल्पसंख्यक वाहक होता है? इसका आंसर होगा बी, होल। तो इसमें जो अल्पसंख्यक वाहक होल होता है, जो कि आंसर है, और इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इसी के उल्टा पी टाइप या पी किस्म का अर्धचालक होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? ये अल्पसंख्यक वाहक होता है, और होल जो होता है वो बहुसंख्यक वाहक होता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एन टाइप और पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे के। तो जो एन टाइप होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए ये क्या करता है? ये डोनेट कर देता है। तो इसका एटम जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डोनर टाइप। लेकिन पी टाइप जो होता है, इसका जो इम्प्योर एटम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर टाइप। ठीक है, तो उसके बाद जो एन टाइप होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मेजॉरिटी ऑफ करंट को वो ले जाता है, और होल जो होता है ये माइनॉरिटी ऑफ करंट को ले जाता है। ठीक है, और इसी का उल्टा जो होता है ये पी टाइप में होता है। उसके बाद जो एन टाइप होता है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए हम इसे एन टाइप कहते हैं, और पी टाइप में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे पी टाइप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ट्रायोड। तो सॉलिड स्टेट पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका आयतन और आकार निश्चित हो, ठीक है, और जिनके सभी कण एक दूसरे से जुड़े हों। ठीक, तो जैसे सॉलिड ठेस जो ठोस होता है, वो सॉलिड स्टेट पदार्थ से बने उपकरण सॉलिड स्टेट उपकरण या अर्धचालक उपकरण कहलाता है। अर्धचालक उपकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, उच्च गति इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर या हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी अर्धचालक की चालकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, तो अर्धचालक का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेमीकंडक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एलवीडीटी क्या क्या हो करता है। तो एलवीडीटी क्या करता है? पहले इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखीय आचार विस्थापन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये करता है बी, रेखीय गति के विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य है, तो ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रवर्धन। तो जो ट्रांजिस्टर होता है, इसका मुख्य कार्य प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीफाई करंट करना होता है, और जिसके तहत ट्रांजिस्टर के द्वारा धारा का प्रवर्धन किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अग्रचालक या फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो जो जीनर डायोड होता है, ये तब तक कार्य करता है जब तक ये अग्रचालक या फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, क्योंकि रिवर्स बायस में रखने जाने पर जीनोड जो डायोड है ये इंसुलेटर की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये बल्ब है और ये जो बीच में है जीनो डायोड, ये जो ये वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है। ठीक है, बताएं अगले क्वेश्चन पे। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार बेस है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार बेस क्या है? तो ये है एन पदार्थ। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार बेस
एन पदार्थ का बना होता है, जबकि एन पी एन में ट्रांजिस्टर का आधार बेस पी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायोड एक साधन है जिससे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, एक दिशा में संचालित करना तथा दूसरी दिशा में अवरुद्ध करना। तो डायोड एक ऐसा साधन है जिससे धारा का प्रवाह एक ही दिशा में संचालित किया जाता है और दूसरी दिशा में अवरुद्ध का कार्य करता है, इसीलिए डायोड का प्रयोग स्विच के रूप में किया जाता है।